उपस्थित सज्जनों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, क्या नहीं जानते आप लोग? बोलने तो दो, अभी तो बोला ही नहीं और आप कह रहे नहीं जानते। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। द प्राइसेस आर राइजिंग स्काई हाई रॉकेट कर रही हैं प्राइसेस। बढ़ती कीमतों को हम लोग रोक नहीं पा रहे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो गवर्नमेंट है उस पर गौर नहीं कर रही, मिंट पे गौर कर रही है, हर मिनट पे मिंट में मिंट खा रही है, पेपर मिंट, और गौर कर रही है कि इन प्राइसेस को कैसे रोका जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक्सपर्ट बनाया है, एक्सपर्ट रखा है जो इस राइजिंग प्राइसेस को कंट्रोल करेगा, राइट? क्योंकि राइजिंग प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तो राइजिंग प्राइसेस को आउट ऑफ कंट्रोल रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट रखा है, अर्थात मैं रखा है। दैट्स रॉन्ग हिंदी, मैं रखा हूं, राइट? मैं रखा हूं, हम रखे हैं के जो स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल प्राइसेस जा रही हैं, उनको हम क्या करें, इन कंट्रोल करें, राइट? मगर सारा सवाल यह है कि जब प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तो मैं आपका प्राइस राइज कंट्रोल मैनेजर, मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल चला गया हूं। मेरा आउट ऑफ कंट्रोल जाना प्राइसेस को इन कंट्रोल रखने के बराबर है। मैं जब तक आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाऊंगा तो प्राइसेस कैसे अंडर कंट्रोल आएंगी, राइट? तो मुझे जाने दीजिए आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है? तो मैं जा सकता हूं, इजाजत ले सकता हूं, मैं आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा हूं ताकि प्राइसेस इन कंट्रोल आ जाए, राइट? ठीक, गुड बाय। व्हाट? अच्छा ठहर जाइए, और भी भाषण और दे देता हूं, भाषण क्या कह रहे हैं, और भाषण दूं तो दे देता हूं, और भाषण ही तो देना है, भाषण थोड़ी देना। तो क्या हाँ, तो हम किस तरह से, मैंने एक एक्सपर्ट मेथड निकाला है राइजिंग प्राइसेस को कंट्रोल करने का। हमें चाहिए कि मुल्क में भ्रष्टाचार का अचार बनाए, भ्रष्टाचार बढ़ा दे, राइट? लेट द करप्शन गो आउट ऑफ कंट्रोल, करप्शन को बढ़ाएं, राइट? जब तक करप्शन को नहीं बढ़ाएंगे प्राइसेस नहीं कंट्रोल होंगी। वो किस तरह कंट्रोल हो, मैं आपका एक्सपर्ट जो कि आउट ऑफ कंट्रोल गया हूं, मैं बताता हूं कि कैसे प्राइसेस को इन कंट्रोल रखना है। किस तरह बताऊं, किस तरह? नहीं बताता, जबरदस्ती है। व्हाट? मैं जबरदस्ती है तो नौकरी से निकाला जाऊंगा, ठीक है? नौकरी में रखा ही कब गया था, नौकरी से निकाला गया जाऊंगा, ये तो ठेके पे रखा हुआ है। उन्होंने मुझे कहा अगर प्राइसेस डाउन हुई तो मुझे सैलरी मिलेगी, और प्राइसेस डाउन नहीं हुई तो मेरी सैलरी कटेगी, नेमली आई वोंट गेट एनी सैलरी, राइट? दैट मींस सैलरी कटेगी। तो अब क्या पोजीशन है कि प्राइसेस, मैंने बताया भ्रष्टाचार का आचार बढ़ाइए, करप्शन को बढ़ाइए। जब आप करप्शन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सारा फूड स्टफ मार्केट से डिसअपेयर कर जाएगा। All the food stuff in the market will disappear because corruption will go up. और black marketeers और hoarder सारे खाने पीने को hoard करके अपने basement में रख रहे होंगे, market से निकल के खाना उनकी गार्केट में जाएगा, whatever the गार्केट is, मगर जाएगा वहां, right? So hoarder और black marketeer जब hoarding शुरू करेंगे, क्योंकि corruption को हम बढ़ावा देंगे, तो सारा सामान मार्केट से डिसअपेयर कर जाएगा, राइट? आलू भी डिसअपेयर कर जाएंगे, गोभी भी डिसअपेयर कर जाएगी, मूली भी डिसअपेयर कर जाएगी। और मुझे मूली के परोठे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं ही तो सबसे बड़ा सफरर होऊंगा कि मूली नहीं रहेगी, ना रहेगा मूल तो ना बजेगी मूलरी, राइट? तो क्या मूलरी ना रहेगा मूल तो ना बजेगी मूलरी, राइट? तो अब क्या रहेगा कि क्या हम क्या करेंगे, ना रहेगा बैंस तो ना बजेगी बैंसरी, सिंपल बात है, ना भैंस रहेगी तो ना भैंस का दूध मिलेगा, राइट?
तो ना बैन जरूरी बजेगी। तो अब ये सिंपल सोल्यूशन ये है कि जब हम करप्शन को बढ़ाएंगे, बढ़ावा देंगे, तो क्या होगा, मार्केट से सब कुछ डिसअपियर कर जाएगा, यहां तक के मूली के परौंठे भी डिसअपियर कर जाएंगे, सब कुछ डिसअपियर कर जाएगा, नथिंग विल बी लेफ्ट इन द मार्केट, क्योंकि होल्डर्स ने अपने गार्केट में भर लिया होगा सारा, मार्केट से निकाल के गार्केट में होल्डर और ब्लैक मार्केटियर ने भर लिया होगा। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हमारा हल हो गया, सोल्यूशन हो गया, जब कुछ नहीं रहेगा खरीदने लायक, राइट, एक चीज भी नहीं मिलेगी, एक आलू भी नहीं मिलेगा, एक मूली भी नहीं मिलेगी, एक भिंडी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, एक चने का, एक दाल का दाना भी नहीं मिलेगा, चने का दाना भी नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा, नथिंग इज अवेलेबल, देन द पीपल विल नॉट बी एबल टू परचेस एनीथिंग, राइट। तो व्हेन द पीपल कैनॉट परचेस एनीथिंग, जब कुछ भी नहीं खरीद सकेंगे, तो फिर कीमतों का सवाल ही क्या रहा, कीमत तो तब आपको देनी पड़े कोई चीज हो खरीदने लायक, जब खरीदने के लिए कुछ भी नहीं, तो किसी चीज के लिए कीमत नहीं देनी पड़ेगी, तो आपका पैसा आपके घर में रहेगा, राइट राइट। तो मैंने कंट्रोल कर लिया राइजिंग प्राइसेस को, जीरो प्राइसेस, क्या राइजिंग प्राइसेस, जीरो प्राइसेस को, चीज ही नहीं रहेगी तो किसकी प्राइस बढ़ेगी, राइट। राइट, फिर खाएंगे क्या, ये खाएंगे और क्या खाएंगे, अगर मिल गई तो। We'll be right back.